इंटर फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया है। बट दोस्तों मैंने उस वीडियो में एक टॉपिक कवर नहीं कर पाया था बोनाफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर, कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा होता है और दोस्तों उसे कहां से किस कॉलेज से आपको सिग्नेचर मुहर कराना है और दोस्तों उसे कैसे अपलोड करना है। आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा कि कैसे कैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाता है, कहां से आपको वेरिफिकेशन कराना है और दोस्तों वो कैसा होता है कॉलेज का सिग्नेचर मुहर लगने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इंटर फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप का आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो इंटर पास होकर के कहीं ना कहीं आप अपना एडमिशन करा लिए हो। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन करा लिए होंगे तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलता है उसे आपको ग्रेजुएशन के कॉलेज से ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर मोहर लगा करके इसको अपलोड करना रहता है। तो चलिए दोस्तों अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और दोस्तों आपको सारा प्रोसेस बता देता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना रहता है, कैसे यहाँ पर सिग्नेचर मोहर होता है, कैसा दिखता है। सबसे पहले हम दोस्तों आपको दिखला देते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका कहाँ से इसका यहाँ पर ये कॉलेज का मोहर लगा हुआ है और कैसे कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है और यहाँ पर इनका रोल नंबर, स्कूल का जो कॉलेज का रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखा गया है। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर रोल नंबर आता है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल का मोहर लगा हुआ है कॉलेज का, उसके बाद उसका सिग्नेचर है यहाँ पर। दोस्तों बस इतना ही सारा इस पर करना है, कॉलेज का यहाँ पर मोहर वोहर लगवा करके बस आपको यही चीज अपलोड करना है। चलिए अब हम अपलोड करने का सारा प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रोसेस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई बिहार स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल लिंक पर क्लिक पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, 2021 पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम इनका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर लेते हैं, जो ये एप्लीकेशन नंबर है यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिलअप कर लिया, कैप्चा भी फिलअप कर लिया, लॉगिन पर मैंने क्लिक कर लिया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो दिखलाया था, इसे दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों बोनाफाइड के नाम से मैंने सेव कर लिया है और दोस्तों उसको ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैंने दोस्तों इसे सेव कर लिया, अब इसी को आपको अपलोड करना है यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखला देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू और दोस्तों इशू बाई, किसने इशू किया है ये यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे मत फिलअप कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू यानी दोस्तों इसमें भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों इशू बाई, यहाँ पर प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर इशू डेट कितने तारीख को ये इशू हुआ है यहाँ पर देख लेना है, 27/8/2020 को ये इशू है तो हम यहाँ पर 27 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल लिखने के बाद दोस्तों आपको ये चीज़ अटैच कर लेना है जो यहाँ पर आपने स्कैन करके सेव करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अपना सेव करके रखा हूँ, मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट दिख रहा है, इसे दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड आएगा, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन निकाल लेना है, इसको दोस्तों यहाँ से प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको ये चीज़ कॉलेज में ले जा करके जमा कर देना है, इसे एक पेज पर प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको अपने कॉलेज में ले जा करके इसे प्लस बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्लस दोस्तों आपका यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, ये सब ले जा करके अपने कॉलेज में जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, जहाँ से आपने बोनाफाइड सिग्नेचर आया है, वहीं पर दोस्तों आपको ले जा करके जमा कर देना है। ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।